आज की ये वीडियो स्पेशली हमारे शॉर्ट और एवरेज हाइट वाले सेयंस के लिए होने वाली है। फैशन और ग्रूमिंग का बिल्कुल करेक्ट तरीके से यूज करते हुए कहीं ज्यादा बेटर और टॉलर कैसे लग सकते हैं, उनके आज इनसेनली प्रैक्टिकल टिप्स की बात करेंगे जो सही में काम करती हैं। सारी की सारी टिप्स बहुत यूनिक होने वाली हैं और वीडियो के बिल्कुल एंड की बोनस टिप में आपको हर एक इवेंट के लिए एक परफेक्ट आउटफिट भी सजेस्ट करूंगा मैं। तो ये पूरी वीडियो जरूर से एंड तक देखना यार, और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना। टिप 1, डोंट ब्रेक द कनेक्टिविटी। एक्चुअली मेरा कनेक्टिविटी रखने से ये मतलब है कि आप जो भी आउटफिट पहनेंगे ऊपर से नीचे तक, उनके कलर्स में बहुत ज्यादा कॉन्ट्रास्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि यूजुअली ऐसा होता है कि जो शॉर्ट हाइटेड बंदा होता है उसका जो अपर रीजन होता है वो नॉर्मल साइज का होता है और उसके जो लेग्स होते हैं वो थोड़े शॉर्टर साइड में होते हैं। जब आप कपड़ों के साथ काफी ज्यादा कॉन्ट्रास्ट रखते हैं तो जो लेग्स वाला पोर्शन है वो अलग से हाईलाइट होता है, वो आपके लिए डिसएडवांटेजियस बन जाता है। लेकिन कनेक्टिविटी रखने से मेरा ये मतलब भी नहीं है कि ऊपर से नीचे तक एक ही कलर पहन के चले जाओ हर समय। आप मैक्सिमम टाइम्स ये कर सकते हैं कि जो एक दूसरे के एडजेसेंट क्लोथिंग पीस हैं जो आप पहनोगे उन्हें आप सिमिलर कलर की और लेस कॉन्ट्रास्ट की रख सकते हैं। इस चीज से भी बहुत स्टाइलिश तरीके से आपका काम हो जाएगा। और जहां तक कलर कॉम्बिनेशन की बात आए तो वैसे तो डार्कर कलर्स आप पे ज्यादा अच्छे लगेंगे, लेकिन आप लाइटर कलर्स भी आराम से पहन सकते हैं, बस कॉन्ट्रास्ट वाली बात ध्यान रखना। टिप 2, यूज ग्रूमिंग एज योर एडवांटेज। आप करेक्ट तरीके के हेयर स्टाइल से भी अपने आप को टॉलर दिखा सकते हैं। आप अपने लिए ऐसे टाइप की हेयर स्टाइल रख सकते हैं जो साइड्स में से थोड़ी सी शॉर्टर होगी और टॉप में उसमें थोड़ा बहुत वॉल्यूम होगा, क्योंकि एक करेक्ट हेयर स्टाइल भी आपको एक इलोंगेटेड एक अच्छा लुक देगी। इसके साथ अगर आपकी बियर्ड बिल्कुल अनकैम्प्ड है तो उसको भी आप रेगुलर बेसिस पे अच्छे से ग्रूम करें या फिर एक क्लीन शेवन लुक ले लें, ये भी काफी बेटर ऑप्शन है। टिप 3, यूज पैटर्न्स करेक्टली। अब आप अपने क्लोथ्स में कम से कम कॉन्ट्रास्ट रखेंगे और क्लोथ्स को अपने सही फिट के हिसाब से ही पहनेंगे, ये बात तो कन्फर्म है। लेकिन इन सबके साथ अगर आप स्मॉल प्रिंट्स और डिजाइंस वाले कपड़े अपने ऊपर प्रेफर करेंगे तो वो आपके लिए काफी एडवांटेजियस रहेंगे। और आप बड़े बड़े ब्लॉक्स और प्रिंट्स को किसी भी हालत में अवॉइड करना पहनना, क्योंकि वो आपको काफी ज्यादा शॉर्टर दिखाते हैं। सिमिलरली वर्टिकल स्ट्राइप्स के क्लोथ्स आपके लिए थोड़े अच्छे माने जाते हैं और हॉरिजॉन्टल स्ट्राइप्स आपको थोड़े कंप्रेस्ड दिखाते हैं, तो ये भी बात आप ध्यान रखेंगे। आजकल वैसे तो कार्गो पैंट्स और शॉर्ट्स का ट्रेंड वापस से आ गया है, लेकिन आप ये बड़ी बड़ी पॉकेट्स और बल्क कहीं पे भी पहनेंगे अपनी आउटफिट में, भले ही पैंट्स में, शॉर्ट्स में या फिर जैकेट्स में, आपके लिए काफी डिसएडवांटेजेस रहेगा ये, तो आप ये भी स्ट्रिक्टली अवॉइड करना। टिप 4, करेक्ट टाइप ऑफ अपरवेयर फॉर यू। आप कोई भी शर्ट या टी शर्ट पहनेंगे उसको अपनी करेक्ट फिट के हिसाब से पहनेंगे, भले ही आप मोटे हैं या पतले, वो आपके जिपर के बिल्कुल मिडिल एरिया में एंड होने चाहिए। अगर आपका अपरवेयर इससे ज्यादा लंबा हुआ तो वो आपके पैरों को और ज्यादा शॉर्टर दिखा सकता है, और आपके लिए फुल स्लीव की जो शर्ट या टी शर्ट होंगी वो ज्यादा एडवांटेजियस होंगी एज कम्पेयर टू हाफ स्लीव्स, क्योंकि वो भी आपके आर्म्स को इलोंगेटेड दिखाने में मदद करते हैं। इन सब के साथ अगर आप समहाउ अपनी आउटफिट को सेमी फॉर्मलिश लुक दे सके, यानी कि अपने शर्ट को अंदर टक इन करके पहन सके अपनी जीन्स या पैंट के, तो वो आपके लिए एक बेटर ऑप्शन होगा, क्योंकि वो आपकी यूनिफॉर्मिटी को बहुत अच्छे से मेंटेन्ड दिखाएगा। लेकिन बस आप एक पॉइंट ध्यान रखना कि आप अपनी शर्ट को जब टक इन करेंगे तो उसमें मफिन टॉप नहीं बनने देना। इसके लिए आप मेरी हाउ टू टक इन योर शर्ट प्रॉपरली वाली वीडियो देख सकते हैं, और आप अपने शर्ट के कॉलर्स को भी स्प्रेड नहीं होने देना, वो भी काफी खराब लगता है देखने में। सिमिलरली वी नेक और टर्टल नेक टी शर्ट आपकी फिजिक को और ज्यादा इलोंगेटेड दिखा सकती हैं। टिप 5, करेक्ट पैंट रूल्स टू फॉलो। आपकी जीन्स या पैंट आप जो भी पहने बिल्कुल भी नीचे से इकट्ठे नहीं होनी चाहिए। अगर आप अपनी जीन्स को फोल्ड भी करते हैं तो वो फोल्ड बिल्कुल नेचुरल तरीके से सिंपल होना चाहिए, ऐसे नीचे से बिल्कुल एक्यूमुलेटेड सा गंदा सा नहीं दिखना चाहिए। आप जरूर से अपने टेलर के पास जाके अपनी पैंट्स को अच्छे से अपनी साइज के हिसाब से फिट करवाएं। आप अपनी जीन्स को हिप्स के ऊपर बिल्कुल करेक्ट जगह पे पहने, ये भी आपके लेग्स को थोड़ा लॉन्गर दिखाने का इल्यूजन क्रिएट करेगा। आप अपनी पैंट या जीन्स में बहुत सारी चीजें जैसे कि कीज, वॉलेट्स, फोन्स एक साथ स्टफ नहीं कर लें, ये बहुत क्लियरली आपके प्रपोर्शंस बिगाड़ती है। टिप 6, बेस्ट शूज टू वेयर। अब क्लियरली आपको ऐसे शूज की जरूरत है जो 1-2 इंच आपकी हाइट में इंक्रीमेंट ला दे, लेकिन आप ऐसे भी शूज मत लेना जो बिल्कुल आर्टिफिशियली बड़े हों और आपको बहुत अजीब सा फनी सा दिखा दें। इसलिए आप बहुत बड़े और बल्कि हाई टॉप स्नीकर्स
स्नीकर्स और बूट्स को अवॉइड करेंगे। और आप में भी कोई भी लोफर्स जिसमें थोड़ी बहुत हील हो, मिड टॉप स्नीकर्स या कोई भी सिंपल शूज जिसमें थोड़ी हील हो या नॉर्मल हो, वो पहन सकते हैं। शू के कलर की बात करें तो क्लियरली आप मल्टी कलर्ड शूज नहीं पहनेंगे, वो आपके फीट को छोटा दिखाएंगे। आप थोड़े म्यूटेड कलर के शूज पहनना। जहां तक व्हाइट स्नीकर्स को पहनने की बात है, तो आप अपने टॉप वेयर और बॉटम वेयर को यानी कि एडजेसेंट क्लोदिंग पीसेस को सिमिलर कलर के पहनेंगे, तब वो पहन सकते हैं, जैसा हमने फर्स्ट पॉइंट में डिस्कस किया था। टिप 6, करेक्ट एक्सेसरीज फॉर यू। अब एक्सेसरीज के लिए एक सिंपल फंडा है, आप अपने हाथ के प्रपोर्शंस के हिसाब से ही एक्सेसरीज पहनेंगे अपने लिए। अगर आप पतले हैं तो आप उस हिसाब से थोड़े छोटे डायल वाली घड़ी पहनेंगे, और मोटे हैं तो अगेन अपने रिस्ट को ध्यान में रखते हुए ही एक्सेसरीज और घड़ी पहनेंगे। आप बेल्ट्स पहनते समय ये ध्यान रखना कि आप अपनी जीन्स और पैंट से मिलते जुलते कलर की ही बेल्ट पहनना, ये आपके क्लोथ्स की कंटिन्यूटी को मेंटेन रखेगा। एक आप कैप्स और बीनीज को भी अपने एडवांटेज की तरह बखूबी यूज कर सकते हैं। टिप 7, बेस्ट विंटर क्लोथिंग टिप्स फॉर शॉर्टर गाइज। आप विंटर्स में लेयरिंग का काफी अच्छे तरीके से यूज कर सकते हैं अपने एडवांटेज के लिए, लेकिन आप जैसा मैंने बताया मोटे मोटे पॉकेट्स वाली बल्की जैकेट्स और पैंट्स को अवॉइड करेंगे किसी भी हालत में। अगर इसी लेयरिंग को ध्यान में रखते हुए आप अपने आउटफिट्स में स्कार्फ्स, बीनीज या फिर टर्टल नेक्स इंक्लूड करेंगे तो वो भी काफी मस्त रहेगा। जहां तक बूट्स पहनने की बात है, तो अगेन आप नॉर्मल साइज के बूट्स पहनेंगे, बहुत ज्यादा बल्की बूट्स मत पहन लेना जिससे कि आप ट्राई हार्ड लगो। फाइनली वीडियो की बोनस टिप की बेस्ट आउटफिट्स में, ये सारी आउटफिट्स हर ओकेजन के हिसाब से आपकी स्क्रीन पे हैं, आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं होप करता हूं आपको ये वीडियो बहुत सही लगी होगी। आप मेरी हाउ टू इंक्रीज योर हाइट वाली वीडियो देख सकते हैं मेरे चैनल पे, और मेरी पर्सनैलिटी के हिसाब से कैसे क्लोथ्स पहने वो भी देख सकते हैं। और चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करना यार।